हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो आज हम बात करेंगे गुजरात से शुरू होने वाली नई ट्रेनों के बारे में। तो आइए जानते हैं गुजरात से कौन कौन सी नई ट्रेनों को पहचान रेलवे के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप लोग उस बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। देखिए आज की इस वीडियो आज मैं आपको बड़ी जानकारी दूँगा, रेलवे के द्वारा गुजरात से कुछ और नई ट्रेनों की चलाने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं ये नई ट्रेन आपके किस रूट पर चलाई जाएगी, क्या रहेगा ट्रेनों का टाइम टेबल। इसमें सबसे पहली ट्रेन है उधना से छपरा, छपरा से उधना जंक्शन के लिए चलाई जाएगी। ये जो ट्रेन आपकी रहेगी उधना से छपरा के लिए, उधना जंक्शन से 09013 09013 नंबर के साथ 5 अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो जाएगी। उधना से छपरा के लिए प्रत्येक शनिवार को चला करेगी। इसी प्रकार से छपरा से 09014 नंबर के साथ छपरा से रविवार को ये ट्रेन आपके खुला करेगी। 6 अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो रही है, शनिवार को उधना से और रविवार को छपरा जंक्शन से चलाई जाएगी। इस ट्रेन का समय इस प्रकार से रहेगा, ये ट्रेन जब उधना से चलेगी छपरा के लिए तो उधना से सुबह 7 बजे रवाना होगी। इसके बाद ये ट्रेन आपकी भरूच पहुँचेगी 8:15 पर, बड़ौदरा आई सुबह 9:25 पर, रतलाम आई 2:05 पर, रतलाम बीना आई रात के 10:15 पर, बीना दामू आई रात के 1:05 पर, कटनी मुड़वा आई रात के 3:10 पर, मानिकपुर के रास्ते प्रयागराज छिपकी आई सुबह 9 बजे तक। इसके बाद ये ट्रेन छपरा जंक्शन शाम के 7:30 तक आने का समय रखा गया है। छपरा जंक्शन से जब ये ट्रेन आपकी चलाई जाएगी उधना के लिए, छपरा से ये ट्रेन रविवार को रात के 10:30 पर रवाना होगी। छपरा से बलियाई रात के 11:45 पर बनारस पहुँचेगी 3:30 पर रात के समय। प्रयागराज आएगी सुबह 7 बजे, प्रयागराज आएगी, दामू आएगी दोपहर के 2:25 पर, बीना आएगी शाम 5:40 पर, उज्जैन आई रात के 10:50 पर, रतलाम आई रात के 1:30 पर, सुबह 8:15 पर उधना जंक्शन आ जाएगी। तो ये नई ट्रेन है उधना से छपरा, छपरा से उधना चलाई जाएगी। इस ट्रेन का पहचान रेलवे के द्वारा उधना से शनिवार, रविवार को छपरा से किया जाएगा। 5 अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेन के बारे में, और ये जो आपकी नेक्स्ट ट्रेन रहेगी ये ट्रेन आपकी अहमदाबाद से दानापुर, दानापुर से अहमदाबाद के लिए चलाई जा रही है। आइए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से 09457 नंबर था अहमदाबाद दानापुर 6 अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो रही है। प्रत्येक रविवार को चलती है अहमदाबाद जंक्शन से। दानापुर से चली तो 09458 नंबर था दानापुर रेलवे स्टेशन से प्रत्येक सोमवार को चलाई जाती है। 7 अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो रही है। इन ट्रेनों का जो समय रहेगा अहमदाबाद से चलने का, रविवार को सुबह 8:25 पर रवाना होगी अहमदाबाद जंक्शन से। इसके बाद ये ट्रेन आपकी उज्जैन के रास्ते आगे बढ़ते हुए ग्वालियर आएगी रात के 1:05 पर, दानापुर दोपहर के 3 बजे तक ये ट्रेन पहुंचने का समय रखा गया सोमवार का। दानापुर रेलवे स्टेशन शाम के 6:10 पर रवाना होकर रहेगी। अहमदाबाद जंक्शन रात के 3 बजे तक आने का समय रखा गया है। तो ये दूसरी ट्रेन थी अहमदाबाद दानापुर, दानापुर अहमदाबाद। नेक्स्ट ट्रेन है सीतामढ़ी से साबरमती, साबरमती से सीतामढ़ी के मध्य में। ये ट्रेन साबरमती रेलवे स्टेशन से सीतामढ़ी के लिए जब चलाई जाएगी तो 09421 नंबर रहेगा। साबरमती सीतामढ़ी एक्सप्रेस ट्रेन है। साबरमती से शनिवार को शाम 7:45 पर रवाना होगी साबरमती रेलवे स्टेशन से। ये ट्रेन जब आपकी सीतामढ़ी से चलाई जाएगी तो 09422 नंबर के साथ 6 अक्टूबर से चलना प्रारंभ होगी। सीतामढ़ी से सोमवार को खुला करेगी और साबरमती से शनिवार को, शनिवार को साबरमती शाम के 7:45 पर चलेगी। और इसके बाद ये ट्रेन पालनपुर आएगी रात के 10:53 पर, अबोहर आएगी रात के 10:25 पर, अजमेर आएगी 4:25 पर सुबह के समय, जयपुर आएगी सुबह 6:50 पर, आगरा फोर्ट आएगी दोपहर के 11:40 तक, कानपुर आएगी शाम के 4:30 पर कानपुर, लखनऊ के रास्ते गोरखपुर पहुँचने का समय रात के 12:15 पर, सीतामढ़ी सुबह 8:30 पर आ जाएगी। सीतामढ़ी से ट्रेन सोमवार को शाम 4 बजे रवाना होगी, लखनऊ अगले दिन सुबह 6:15 पर आ जाएगी। इसके बाद ये ट्रेन आपकी जयपुर पहुँचेगी शाम के 7:20 पर, सुबह 6 बजे अगले दिन साबरमती आ जाएगी। तो ये आपकी तीसरी गाड़ी थी जो कि आपकी गुजरात से चलना प्रारंभ हो रही है।
इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग रेलवे के द्वारा ओपन कर दी गई हैं। तो ये नई स्पेशल ट्रेनें थी जो कि आपकी अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो रही हैं, और ये ट्रेन आपके गुजरात के विभिन्न रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही हैं। तो इस वीडियो फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग के वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो जैसे लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन हुआ, आप लोग उस बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।